पिछले छह दिनों से महाराष्ट्र राज्य से आए हुए जो टीचर है, शिक्षक है, वो आजाद मैदान में पिछले छह दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी राज्य सरकार से क्या मांगे हैं और वो क्यों आजाद मैदान में इतने दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये बताइए कि आप लोग पिछले छह दिनों से आजाद मैदान पर आंदोलन धरने पर बैठे, क्या मांगे हैं आपकी राज्य सरकार से? हमें राज्य सरकार से ये मांग है, छह दिनों से 8 से 10 हजार तक नॉन एडेड टीचर्स इस आजाद मैदान पर हजर हुए, उपस्थित हुए, लेकिन हमारा एक डेलीगेशन गया था लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई अच्छा रिस्पांस दिया नहीं। आज आजाद मैदान पर वो आके गए, आज एजुकेशन मिनिस्टर का बर्थडे के दिन वो इधर आके गए, लेकिन कौन सा ही आश्वास हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे टीचर है उनको किसी तरह आश्वासन उन्होंने नहीं किया। जो नॉन एडेड टीचर्स है पूरे महाराष्ट्र में आसपास है 16,000 तक जो टीचर्स है जो नॉन एडेड है। इस जो पिछला जो गवर्नमेंट था भाजप सेना का, उन्होंने एक जीआर निकाला था, उस जीआर से वो 20% और 40% जो वेतन देने वाले थे वो वेतन उन्होंने अभी तक हमारे टीचर लोगों के खाते पर अभी तक वो मिला नहीं है। जब ये जो नई सरकार आई, जो महाविकास आघाड़ी की जो नई सरकार आई, इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने 18 मंथ का जो वेतन है उन्हें वो डिस्पोज कर दिया, और जो वेतन 1 अप्रैल 2019 से दिया था वो उन्होंने दिया नहीं। और वो बोले शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़, वो आप लोग से जब मिलने आई यहाँ पे तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी? नहीं, उन्होंने वैसा कोई आश्वस्त नहीं किया, इसलिए जो हमें प्रोटेस्ट जो कर रहे टीचर से वो क्या करेंगे आज हमें पता नहीं। छह दिनों से ये महाराष्ट्र के सभी जिले से आए लोग है, ये परेशान हो गए, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट है वो हमारा आवाज सुन नहीं रही। यदि आप आवाज नहीं सुनेंगे तो आपको धरती पे आना पड़ेगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ, इस आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, इस आसमां के कोई ठिकाने नहीं होते, जो जमी के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। आपको भी ये कुर्सी खाली करनी पड़ेगी अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे टीचर से इसकी आवाज आप तक जब पहुँच नहीं हो रोगे तो त्याच्याप्रमाणे करायला पाहिजे।
आप एक खुद शिक्षक है, आपकी और सरकार को आपने कुछ लेटर लिखा है, उसमें क्या लेटर है और क्या क्या मांगे है उसमें? उनको 15 साल लग गए अभी तक, हमारा गुजारा जो है, हमारे बीवी बच्चे यहाँ पर, हम उसको कुछ पाल नहीं सकते अच्छी तरीके से, एजुकेशन नहीं दे सकते। बीवी मैंने यहाँ पर अभी ये सुसाइड, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सुसाइड लेटर है मेरा पूरा सुसाइड लेटर है। अगर 15 फरवरी तक अगर यदि हमको अनुदान नहीं मिला, 40% निधि वितरण का अगर यहाँ पर JR नहीं मिलता है, तो मैं खुद यहाँ पर और मेरी बीवी, मेरे दो बच्चे छोटे, मैं यहाँ पर नहीं, यानी किसी भी जगह पर, मैं ये शिक्षण मंत्री को भी मैंने निवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को, सबको मैंने निवेदन दिया है। तो यहाँ पर लाइए, मैं आपको दिखाता, शिक्षा मंत्री का कोई रिस्पांस नहीं। ये देखिए, वर्षा ताई गायकवाड, ये फाइनेंस, ये देखो मैंने यहाँ पर कितने ब्लू टिक आया। सीधी सी बात है, जब वर्षा गायकवाड़ ने आप लोगों की बातें सुनी, देखी, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं किया, जरा सा उन्होंने नजरअंदाज कर दी। ओके, तो आगे का आप लोगों का क्या प्लान है अगर सरकार बात नहीं मानती है, क्योंकि आप पिछले 6 दिनों से आप धरने पे बैठे हो। मैडम, अभी हम सब लोग 29 जनवरी से बैठे हैं यहाँ पे, और इसके पहले भी 170 आंदोलन हो गए, बहुत बार यही हुआ है, देखेंगे करेंगे, उनको सब मालूम है क्या चालू है। कुछ लोगों को, कुछ लोग तो अभी तक घोषित भी नहीं है, ऐसा है। और 20 साल से ये लोग कैसे जिंदगी गुजारते होंगे? जो सरकारी स्कूल संस्था है, जो संस्था है, सरकार कहीं ना कहीं उसमें पैसा देती थी पहले, या फिर पहले से ही नहीं उसमें शिक्षकों को पगार मिल रहा था? जो घोषित है 20 है, 40 है, 20 का 40 हुआ है, वो जो अभी बच्चू भाव ने 1 महीने क्या सब करने का बोला था वरिष्ठ सभागृह में, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने क्या सब हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको 1 रुपये भी नहीं मिलता, गवर्नमेंट से भी नहीं मिलता, जिस संस्था में वो काम करते हैं उनसे भी नहीं मिलता। तो इसमें बहुत जल्द एक्शन होना चाहिए, इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और ऑल द टीचर्स आर वेरी एजुकेटेड लोग, वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन, एंड गवर्नमेंट doesn't take seriously about that. It is very, very
सीरियस प्रॉब्लम, दे डोंट हैव एनी सीरियसनेस अबाउट देम। हाँ देखिए कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। मैं यही बताना चाहूँगा इस गवर्नमेंट को, यदि आप सोए हुए हो तो आप जाग जाइए। जब एक अध्यापक खड़ा होता है तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी इस देश की गादी सौंपी थी, तो आपकी कुर्सी खाली होने में कुछ भी देर नहीं लगेंगी। यदि तो भागना पड़ेगा, यही मैं इस मिनिस्ट्री को कहना चाहता हूँ। आपके सामने है मैडम, ये एग्जांपल है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं हम कि जो महाराष्ट्र राज्य से अलग अलग जिलों से आए हुए यहाँ पे जो टीचर है, शिक्षक है, वो राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं कि उनकी जो सरकारी संस्था, जो स्कूल है सरकारी संस्था, खास तौर पे जिसे चलाती है सरकार, उन शिक्षकों को अभी तक उनकी जो सैलरी है वो कई सालों से नहीं मिली है। हालांकि हर बार हर सरकार नई नई आती रहती है और आश्वासन देती रहती है, लेकिन जो गारंटी है वो अभी तक की सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। वर्षा गायकवाड़ जो हमारी अभी शिक्षक मंत्री है वो आती है, आश्वासन दे के गई है, लेकिन इनकी जो मांग है कि हमें लिखित में करके दे, गारंटी के साथ दे, क्योंकि हर साल नई सरकार आती रहती है हर बार, लेकिन इनकी जो मांगे है वैसी की वैसी रह जाती है। कोई भी पार्टी जो है सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करता, जिसे लेके ये अब तीव्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं, और आगे भी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करते तो जो आंदोलन करने का ऐलान कर रहे। हमने उनसे बात किया तो इनके कह दिया कि हमने जो है लेटर लिखा है सरकार को कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। इस तरह का जो शिक्षक है वो आंदोलन करते करते बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक है इनकी जो डिमांड है वो सरकार को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। और लगातार यहाँ पे जो धूप में, कड़ी धूप में शिक्षक यहाँ पे पिछले 6-7 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो सरकार को चाहिए कि एक बार आए और इनसे इनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करे। HM News के लिए सही था।